सिर्फ क्रिकेट को प्रोत्साहन दिया जाता है, इस पर आपका क्या टेक है? बिल्कुल, मैं भी इसको कभी कभी सोचता हूँ, बहुत दुख की बात है। हमारे अपने बहुत सारे खेल हैं, तीर कमान है, निशाना था, फिर वो उतना पॉपुलर नहीं है, और गिल्ली डंडा था हम लोग खेलते थे बचपन में। लेकिन क्रिकेट मुझे लगता है सबसे आसान लगता है खेलना, खर्चा भी नहीं होता है, स्टंप नहीं है तो दीवार पे ही स्टंप बना लो निशान करके, और अगर बैट नहीं है तो माता जी जिससे कपड़ा धोती है वही ढोका लेके आ जाते हैं, मुंगरी लेके आ जाते हैं। इसलिए क्रिकेट हिंदुस्तान में चलता है, पॉपुलर है, हम भी देखते हैं। आप कब से लाइक करते हैं क्रिकेट? आप कब से क्रिकेट लाइक करते हैं? बिल्कुल बचपन से ही, जहाँ स्कूल की छुट्टी होती थी या इंटरवल होता था, बस बैट चाहिए, बॉल चाहिए, और शुरू हो जाते थे। तब हमारे हीरो सुनील गावस्कर हुआ करते थे, सुनील गावस्कर, प्रसन्ना, विश्वनाथ, सोलकर, फारूक इंजीनियर, ये टीम होती थी, मदन लाल। इस समय की इंडियन टीम और उस समय की इंडियन टीम में आप कितना फर्क समझते हैं? मुझे लगता है आज ज्यादा प्लेयर अच्छे हैं, जुझारू है, जान छिड़कते हैं कंट्री के लिए। पहले वाले वो लोग अच्छे थे, लेकिन वो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा इजी ले लेते थे। आज कंपटीशन बहुत है, आज हर चीज के कोच है अलग अलग, फील्डिंग कोच अलग है, बॉलिंग कोच अलग है, बैटिंग कोच अलग है, पहले सब इतनी फैसिलिटी नहीं थी। राजू सर, होली आ रही है, होली पे मैं चाहूंगा कि भोजपुरी अंदाज में कुछ आप बयां कर दें। होली भैया, एक बात हमारी समझ में नहीं आती है, हर आदमी चिल्लाता है होली है होली है, तो ये दिवाली में काहे नहीं चिल्लाता है? ना दिवाली में चिल्लाता है, ना ईद, ना बकरीद, कहीं नहीं चिल्लाता, खाली होली में बताता रहता है होली है होली है। तो क्या अगर ये बताएगा नहीं तो हम लोग क्या उस दूसरा त्यौहार समझ जाएंगे? होली में तो बहुत कुछ है, हाँ वो तो करेंगे, आराम से करेंगे, अभी टाइम है। थैंक यू राजू।